सो ये गाइस यहाँ पर हम लोग बात करने वाले पोको डिवाइस के अपडेट ट्रैकर के बारे में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे MIUI 12.5 अपडेट और एंड्रॉइड 11 अपडेट को लेके। तो पोको के डिवाइस में काफ़ी यूजर के मेरे पर डेली कमेंट्स आते हैं यहाँ पर पोको M2 प्रो रिगार्डिंग के, हमें एंड्रॉइड 11 अपडेट अभी तक नहीं मिला, MIUI 12.5 का अपडेट कब तक मिलेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो अगर आप लोग पोको का कोई भी डिवाइस यूज़ करते, वीडियो को एंड तक देखते रहो, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपडेट ट्रैकर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये पोको के डिवाइस के एंड्रॉइड 11 का अपडेट ट्रैकर है। फिलहाल के लिए आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट ट्रैकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको F2 प्रो, जो कि इंडिया में तो नहीं मिलता है, यूरोप अदर साइड में रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। पोको X3 NFC दो डिवाइस देखने को मिलते हैं, एक इंडिया में एक ग्लोबल में, सभी जगह ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। पोको X2 के लिए पहले ही आ चुका था। पोको C3 के लिए एक्सपेक्टेड अभी भी 2021 ही है, यहाँ पर कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब आप लोग समझ लो कि पोको C3 के लिए इतनी जल्दी आप लोगों को एंड्रॉइड 11 अपडेट नहीं मिलने वाला मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2-3 मंथ लग जाएंगे, यहाँ पर इस मंथ में तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। पोको M3 की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड 21 ही है, यानी कि जुलाई के मंथ में भी आप लोग को एंड्रॉइड 11 अपडेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा पोको M2 प्रो की बात करूँ तो यहाँ पर अभी भी कमिंग सून ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर पोको M2 के लिए एक न्यूज़ है एंड्रॉइड 11 अपडेट को लेके, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लो फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पोको M2 का डिवाइस अगर आप लोग यूज़ करते तो आप लोग के लिए एंड्रॉइड 11 का अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पोको M2 प्रो के लिए भी। पोको M2 प्रो के लिए आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि यहाँ पर उनके लिए MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 अपडेट साथ में देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ पर वो अपडेट आपको जुलाई के एंड तक देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हो, पोको M2 प्रो एंड्रॉइड 11 एंड MIUI 12.5 अपडेट एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ जुलाई से कम्युनिटी मोड, यानी कि यहाँ पर मॉडरेटर का रिस्पांस था। तो पोको M2 प्रो के लिए तो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाता है कि आप लोग के लिए एक अपडेट ज़रूर मिलने वाला है एंड ऑफ जुलाई तक। अब यहाँ पर चांसेस है कि MIUI 12.5 अपडेट के साथ ही एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने के लिए मिल जाए, जो कि गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन पोको M2 के लिए क्या, पोको M2 के लिए यहाँ पर आप लोग बता, अभी कुछ ही दिन पहले कुछ अपडेट्स वगैरह निकल के आए थे, जैसे आप लोग देख सकते कर्नल सोर्स ऑफ पोको M2, Redmi Note 9, Redmi 9 Prime का नाम भी है बीन रिलीज एंड चांसेस आर एंड्रॉइड 11 अपडेट फॉर पोको M2 विल रोल आउट सून। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज की डेट है और यहाँ पर बताया एंड्रॉइड 11 अपडेट फॉर पोको M2 विल रोल आउट सून, यानी कि बहुत ही जल्दी अपडेट देखने के लिए मिलने वाला। कितनी जल्दी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, ये अपडेट आपको कुछ ही हफ्तों में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, यानी कि 1 वीक या 2 वीक, किसी भी वीक में अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप लोग पोको M2 का डिवाइस यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से आप लोग अगस्त के मंथ का वेट करो, जुलाई के मंथ में मिल सकते चांसेस है। बट आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ही टाइम पकड़ के चलो, क्योंकि आप लोग को पता है जब अपडेट्स डिले होते तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, इसलिए आप लोग अगस्त का मंथ मान के चलो। मिड अगस्त से पहले मेरे ख्याल से पोको M2 में भी एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर इस न्यूज़ के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो देखने के लिए मिलता है कर्नल सोर्स अवेलेबल हो चुके, तो यहाँ पर पोको M2, Redmi Note 9 और Redmi 9 का डिवाइस है और Redmi 9 Prime का भी नाम है। इसका मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि Redmi Note 9 के लिए तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है एंड्रॉइड 11 का अपडेट, और यहाँ पर अभी चाइना में भी उनके लिए MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिला है। Redmi Note 9 के लिए इंडिया में भी एंड्रॉइड 11 अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है, आज की मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, आई बटन में मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर देख लेना। पोको M2 के लिए भी चांसेस है कि इस मंथ के एंड या फिर अगस्त के मंथ में डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा एंड्रॉइड 11 अपडेट। कोई डेट नहीं यहाँ पर बताया, बस यहाँ पर रोल आउट सून बताया, यानी कि अपडेट कभी भी आपके डिवाइस में देखने के लिए मिल सकता है। तो पोको M2 प्रो यूज़र जितने भी अगर आप लोग डिवाइस यूज़ करते हो इन दो में से, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पर आपके डिवाइस के लिए MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 अपडेट कभी भी देखने के लिए मिल सकता है किसी भी वक्त। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोको X2 और पोको X3 के लिए MIUI 12.5 का अपडेट कब तक मिल सकता है, पोको X3 प्रो के लिए कब तक मिल सकता है, तो आप लोग के लिए MIUI 12.5 के चांसेस है कि इसी मंथ के एंड तक इनमें से कुछ डिवाइस को अपडेट देखने के लिए मिल सकते। पोको X3 प्रो के लिए बात करूँ तो डेफिनेटली चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कि MIUI 12.5 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सभी यूज़र को। और यहाँ पर पोको X3 की बात करूँ तो यहाँ पर जुलाई एंड तक आप लोग वेट करो, शायद चांसेस है कि अपडेट मिल भी जाए। बट यहाँ पर अपडेट अगर इंडिया में नहीं मिलता है तो ग्लोबल साइड में तो डेफिनेटली पोको X3 में भी MIUI 12.5 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इंडिया में सभी यूज़र को MIUI 12.5 अपडेट मिल सकता है कि यहाँ पर अगस्त एंड तक टाइम निकल जाएगा, तो अगस्त के मंथ में पोको X3 में भी MIUI 12.5 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
जाएगा और पोको X2 में भी, तो जिनको नहीं मिला उनको। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन से डिवाइस को कब तक अपडेट मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ पोको C3, पोको M3, तो यहाँ पर आप लोग के लिए वेट करना पड़ेगा अपडेट के लिए। यहाँ पर आप लोग को पहले एंड्रॉयड 11 अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि गाइज यहाँ पर इस मंथ में तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर अपडेट ट्रैकर बता दिया है। बट अगर मैं बात करूँ MIUI 12.5 अपडेट की, तो पोको M2 प्रो के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया MIUI 12.5 अपडेट जैसे मॉडरेटर ने बताया कब तक मिल सकता है। पोको M2 की बात करूँ तो आपको अगस्त एंड तक वेट करना पड़ सकता है MIUI 12.5 अपडेट के लिए। अगर एंड्रॉयड 11 अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा तो MIUI 12.5 का भी अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा पोको C3, पोको M3 यहाँ पर आप लोगों को अगस्त एंड के बाद ही अपडेट देखने के लिए मिल सकते हैं MIUI 12.5 के। तो यहाँ पर जो भी डिटेल थी पोको M2, M2 Pro यानी कि पोको की डिवाइस के लिए, MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 अपडेट को लेकर, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करो अपडेट की लिंक वगैरह पाने के लिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, फ्री में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।